माउंट लेमोन सर्वे यानी MLS जो कि अमेरिका के न्यू एरिजोना में स्थित माउंट लेमोन के शिखर पर मौजूद एक ऑब्जर्वेटरी है। यह एक बेहद ही फास्ट, स्ट्रॉन्ग और कॉम्प्लेक्स टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट के साथ जुड़ी है, जिसका मुख्य रूप से काम नियर अर्थ की ऑब्जेक्ट्स को खोजना है। इसने अब तक 50,000 से अधिक माइनर प्लैनेट्स की खोज भी की है। हालांकि यह टेलीस्कोप अन्य सभी क्रासकेन टेलीस्कोप के ही समान आकाशगंगाओं की संरचना को खोजने में मदद करती है और यह अपना काम बखूबी निभाता भी है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अप्रैल साल 2021 की घटना, जब एक अनजानी सी रहस्यमय वस्तु को हमारी धरती की ओर बढ़ते हुए पाया गया था और इसने हमें तुरंत बता दिया कि वो एक एस्ट्रॉयड है जो कि करीब 15 फुट के आकार का है। साथ में यह 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारे नज़दीक आ रहा है। वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया एस्ट्रॉयड 2021 GW4। यह घटना दुर्घटना में आसानी से बदल सकती थी, लेकिन सौभाग्य से यह 12 अप्रैल साल 2021 को हमारी धरती से 19,000 किलोमीटर की दूरी से निकल गया। आप सोच सकते हैं कि यह टेलीस्कोप कितना ज़्यादा पावरफुल है, जिसने मात्र 15 फुट के आकार के एस्ट्रॉयड का आसानी से पता लगा लिया। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें माउंट लेमोन टेलीस्कोप की भी सहायता से समझा नहीं जा सका, इसलिए ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स हमारे वैज्ञानिकों और हमारे खगोलविदों के लिए सरदर्द बनी रही। हालांकि आज हम उनका रहस्य सुलझा चुके हैं और उनके लिए हमें और भी एडवांस टेलीस्कोप की सहायता लेनी पड़ी। लेकिन वो क्या है जिन्होंने खगोलविदों को भी हैरत में डाल दिया था, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। सो हेलो गाइज, मैं हूँ सूरज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह नया एपिसोड। बात है 3 सितंबर साल 2002 की, जब कनाडा के एक एस्ट्रोनॉमर बिल योंग ने धरती की ऑर्बिट में एक अजीब चीज को ऑब्जर्व किया। यह ऑब्जेक्ट आश्चर्य रूप से अपनी ब्राइटनेस को बदल रहा था। साथ में यह ऑब्जेक्ट एक मिनट में एक बार अपनी एक्सिस पर घूम रहा था। इटली, नॉर्वे और एरिजोना के एडवांस टेलीस्कोप ने भी इसे डिटेक्ट किया था, लेकिन वे इसे समझ नहीं पाए। साथ में नासा ने भी जब नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स के रिकॉर्ड को खंगाला तो इसका कोई भी लेखा जोखा नासा के पास नहीं था। हालांकि यह आकार में 30 मीटर का था, लेकिन हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, इसीलिए इसने खगोलविदों को हैरत में डाल दिया। डराने वाली बात यह थी कि यह धरती को ऑर्बिट कर रहा था और हमने इसे पहले कभी नहीं देखा था। इसका मतलब ये हुआ कि ये हाल फिलहाल में ही धरती के ऑर्बिट में एंटर हुआ था। इसकी ऑर्बिट और रोटेशनल पीरियड टाइम बेहद ही अजीब थे और यह कुछ समय बाद धरती की ऑर्बिट को छोड़ गायब हो गया। अब इसके गायब होने के बाद तो एलियंस पर यकीन करने वालों ने इसे एलियन शिप तक बता दिया। आपको भी किसी हद तक यह ऐसा ही लगा होगा कि शायद यह एलियन शिप भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नासा ने जब इस ऑब्जेक्ट को ट्रेस किया तो उन्होंने पाया कि यह ऑब्जेक्ट तकरीबन 30 सालों से हमारे सन को ऑर्बिट कर रही है और गहराई से जांच करने पर यह सामने आया कि यह कोई एलियन शिप नहीं बल्कि अपोलो 12 स्पेस क्राफ्ट जो कि 1969 को लॉन्च किया गया था कि सैटर्न 5 रॉकेट। जी हाँ, वही सैटर्न 5 रॉकेट जिस पर एलियंस ने 30 सेकंड के अंदर ही दो बार हमला किया था। यह ऑब्जेक्ट उसी के पार्ट का S4B थर्ड स्टेज था, जिसे मिशन के दौरान हीलियोसेंट्रिक ऑर्बिट में छोड़ा गया था और इसी को ही खगोलविदों ने ऑब्जर्व किया था। इसके बार बार ब्राइटनेस के चेंज होने का कारण टाइटेनियम डाइऑक्साइड है जो कि रॉकेट्स को पेंट करने के काम आती है। दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे सबसे नज़दीकी पिंड मून के पास। बात है साल 2017 की, जब ब्रिटेन और इंग्लैंड के कुछ लोगों के द्वारा मून पर लाइट स्पॉट्स को ऑब्जर्व करने की बात सामने आई। उन्होंने बताया कि चांद पर कुछ अनजानी सी चमक है और वो चमक चांद के कई हिस्सों में दिखाई दे रही थी। साथ में वे चमक फ्लिकर भी कर रही थी और ये फ्लिकर 1 से 2 सेकंड के अंतराल में होती थी।
और कुछ चमक तो काफी समय तक दिखाई दी थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह घटना सबसे पहले साल 2017 को ही देखी गई थी। वैज्ञानिक तौर पर यह घटना सबसे पहले साल 1958 में ऑब्जर्व की गई थी, लेकिन तब हम इस घटना को सुलझा नहीं पाए थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये घटनाएं हमने एक दो बार ही देखी हैं, बल्कि पूरी दुनिया भर से हजारों बार ऐसे दावे किए जा चुके हैं कि उन्होंने चांद पर कुछ चमकता हुआ पाया है। लोगों ने तो अलग अलग रंग की चमक को दिखते हुए भी पाया है। अगर बात की जाए साल 1958 की, तो यह घटना उस समय पर वैज्ञानिकों के लिए सरदर्द बनी रही। लेकिन आज ऐसा नहीं है, क्योंकि आज हमारे पास इतने एडवांस टेलीस्कोप्स हैं जो चांद को बारीकी से स्टडी करने में मदद करती हैं। तो फिर क्या था? साल 2017 को यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ईसा ने अपने नलियोटा स्पेस टेलीस्कोप से चांद को बारीकी से ऑब्जर्व किया। उन्होंने पाया कि यह घटना चांद के साथ आम बात है और यह हमें रात में कई बार देखने को मिल सकती है, क्योंकि यह घटना मून पर अक्सर होती रहती है। और वैज्ञानिकों ने इस घटना का नाम दिया TLP यानी ट्रांस लूनार फिनोमिनन। पर आखिर चांद पर ऐसा क्यों होता है और यह TLP इवेंट आखिर है क्या, चलिए जानते हैं। इसका कारण है चांद पर प्रतिदिन गिरने वाले मीटियोर्स। आपको बता दें कि चांद पर प्रतिदिन लगभग 2800 किलोग्राम से लेकर 3000 किलोग्राम तक मीटियोर मटेरियल चांद से टकराते हैं। कुछ मीटियोर इतने बड़े भी होते हैं कि वो तो चांद की सतह से भी टकरा जाते हैं। वैसे ये लाइट स्पॉट्स तो हमें चांद के हर हिस्से से ब्लिंक करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन एरिस्टार्कस क्रेटर पर और इसके आसपास यह घटना सबसे ज्यादा ऑब्जर्व की गई है। और TLPs की लगभग 33% घटनाएं चांद के इसी क्रेटर पर दर्ज की गई हैं। लेकिन इसका असली कारण हमें आज तक पता नहीं चला है। उम्मीद है इस रहस्य को भी हम जल्द ही सुलझा लेंगे। बात है 6 अगस्त साल 2012 की, जब नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर मार्स पर लैंड किया था। और लैंडिंग करने के बाद से ही इसने वहां न जाने कितनी ऐसी डिस्कवरीज की हैं जो हमें न्यू अर्थ कहे जाने वाले प्लैनेट मार्स को डिटेल में समझने में मदद करती हैं। बात है 3 अप्रैल साल 2014 की, जब इसके द्वारा हैरान कर देने वाली तस्वीर हमें भेजी गई। और ये है वो तस्वीर। इस तस्वीर में आप एक ब्राइट लाइट को आसानी से देख सकते हैं। साल 2014 में इस तस्वीर के आने के बाद तो साइंटिफिक कम्युनिटी में खलबली सी मच गई थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसके द्वारा एलियंस रिलेटेड केवल एक ही तस्वीर भेजी गई थी, और भी कई ऐसी तस्वीरें हैं जो मार्स पर एलियंस होने पर इशारा करती हैं, लेकिन यह तस्वीर उनसे काफ़ी अलग है। मज़ेदार बात यह है कि इस तस्वीर को क्यूरियोसिटी रोवर के राइट कैमरा के द्वारा लिया गया था और लेफ्ट कैमरा में इसकी कोई झलक हमें दिखाई नहीं दी थी। लेकिन ऐसा आखिर कैसे हो सकता है, क्योंकि ये दोनों कैमरे एक साथ घूमते हैं और एक साथ ही फोटो को कैप्चर करते हैं। नासा ने इस घटना को बेहद ही आम बताया और कहा कि यह ब्राइट लाइट कोई एलियंस के कारण नहीं है, बल्कि यह घटना मार्स पर होने वाली दो संभावनाओं के कारण है। पहली कि शायद यह कॉस्मिक रेज होगी, जो कि मार्स के एटमॉस्फेयर से टकराने वाली लाखों रेज में से एक है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यह तस्वीर भेदी लो लाइट कंडीशन में खींची गई थी, तो किसी भी रॉक की चमक हमें लाइट के रूप में दिखाई दे सकती है। अब अंत में आप सभी के लिए एक सवाल। आप सभी डायमंड से बने प्लेनेट के बारे में जरूर जानते होंगे, लेकिन आपको बताना है कि वो कौन सा स्टार है जो कि डायमंड से बना है। यदि आपको पता है तो कमेंट्स में इसका जवाब जरूर देना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।